नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आराधना दुबे। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले जो आपने मेरा कब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। वहीं पर पास में बेल आइकन है, इसको प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा जो भी अगला वीडियो आएगा आपको उसमें ऑटो से कम मिल जाएगा। दोस्तों, अब अपन बात करेंगे एक ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन जिसका नाम है एथुजा साइनेपियम, जो आपने कहाँ कहाँ यूज़ होगी, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, उस बारे में आज अपन बात करेंगे। तो दोस्तों, कहाँ कहाँ यूज़ होगी कुछ मैं आपको बता देती हूँ। जो जो बच्चे होते हैं ड्यूरिंग डेंटेशन पीरियड के टाइम, मतलब जब बच्चों में दांत निकलते तब इसका अच्छा यूज़ है। अब जब जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं उनमें अच्छा यूज़ है। जिन बच्चों को दूध नहीं पचता है, बच्चे, ये मेन बच्चे के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो जिन बच्चों में दूध नहीं पचता है, इनडाइजेशन हो जाता है, जो कोई भी दूध हो, काऊ मिल्क हो या कि अपने ये पैकेट के जो मिल्क आते हैं, कोई भी मिल्क हो, वो उनको नहीं पचता है, उसमें ये अच्छी यूज होती है। साथ में गर्मी के टाइम जो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, तो ऐसा कोई लक्षण अगर आपको मिलता है तो उसमें आप एथुजा साइनेपियम यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आज अब अपन आते हैं आप इसका यूज़ और इसके सिम्टम्स में आते हैं। तो इसका क्या है, सबसे पहले अपन हेड में आएंगे। इसमें क्या रहेगा, इसका हेड बहुत बड़ा रहेगा और इसमें इसका पेशेंट जो होता है, इसको चक्कर आएंगे। जब इसको चक्कर बहुत आते हैं, इस पेशेंट को चक्कर आएंगे, तो ऐसा एकदम ड्रॉजीनेस, पूरा बेहोश जैसे गिर जाएगा, पूरे शरीर में पल्सेशन, पल्स फील होगा। तो जैसा अगर ऐसा लक्षण आपको किसी में मिलता है, आपके पास में या आसपास कहीं भी, तो आप उसको एथुजा 30 दो बूंद सुबह दोपहर शाम चलने देंगे, तो ये प्रॉब्लम जो चक्कर वाली दिक्कत है वो धीमे धीमे ठीक हो जाएगी। फिर अपन आएंगे आइस में। आइस में क्या रहेगा, जो अपनी आइस में जो ग्लैंड रहती है उनमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से आंखें ड्राई हो जाती हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, आंख से पलकें एकदम सूखी सूखी रहेंगी, बार बार लप लुप लप लुप करती हैं आंखें। तो इसके जो इसमें प्रॉब्लम, ये वाली प्रॉब्लम जिस में किसी में मिलती है, यानी ये लक्षण जिस पेशेंट मिलेंगे, अगर आप उसको एथुजा 30 कंटिन्यू चलने देंगे तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। फिर अब आप अपन आते हैं नोज़ में। इसमें क्या रहेगा, टिप ऑफ द नोज़ हर्पेटिक इरप्शंस, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो उसके टिप ऑफ द नोज़ में होगी। तो ये लक्षण आपको किसे मिलेगा, तो आप उसको एथुजा 30 देंगे तो ठीक हो जाएगा। अब इसमें बाद अपन आएंगे ईयर में। ईयर में टिनिटिस की प्रॉब्लम, टिनिटस साउंड मतलब ऐसे करके आवाज़ आएगी, उसको लगातार बात कर रहा है आपसे, कहीं घूमने गया है तो भी उसको मतलब कानों में ऐसी साउंड हमेशा सुनाई देते रहते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम अगर कोई पेशेंट आपको बताता है, या कोई की भी आपके परिवार में या कोई भी ऐसा बोलता है कि ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप उसको एथुजा 30 देंगे तो उससे काफ़ी आराम पड़ेगा। अब अपन आते हैं माउथ में। माउथ में क्या है, ड्राई माउथ रहेगा और उसको कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थ्रस्ट, जो ड्राई माउथ रहेगा, जो ड्राई माउथ क्यों रहेगा, क्योंकि उसको प्यास ही नहीं लगती। जब प्यास नहीं लगेगी तो वो प्रॉपर पानी पी गए तो माउथ ड्राई रहेगा, तो ये मेन लक्षण है। तो ये आप अगर एथुजा देंगे तो उसको आराम मिलेगा। अब अपन आएंगे मेन गाइडिंग सिम्टम से, मेन लक्षण पे। तो अब अपन बात करेंगे, सबसे पहला है इसका गाइडिंग सिम्टम इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क। इसमें क्या रहेगा, मिल्क किसी भी तरह से नहीं पचेगा, कोई बड़ा हो या बच्चा हो, कैसा भी मिल्क हो, डब्बे वाला मिल्क हो या काउ मिल्क हो या किसी तरह का पैकेट वाला मिल्क हो, तो वो जो भी पेशेंट या बच्चा लेगा, और जहाँ तक कि मदर मिल्क भी प्रॉब्लम आती है, कोई बच्चे को मदर मिल्क भी नहीं पचता है, लेकिन मेन क्या है कि कोई भी अगर मिल्क है, काउ मिल्क हो, मदर मिल्क हो, कोई भी तरह का दूध नहीं पचेगा, तो ये मेन लक्षण होता है। तो अगर किसी में भी ये लक्षण आपको मिलता है तो एथुजा 30 दीजिए, उसमें काफ़ी आराम पड़ेगा। फिर अपन आते हैं रिगर्जिटेशन। रिगर्जिटेशन इसमें क्या रहेगा, इसमें GRD की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि जो भी व्यक्ति खाना खाएगा, खाने के एक घंटे बाद उसको ऐसा लगेगा कुछ भी खाने का एक टुकड़ा मुंह में आ जाता है या थोड़ा सा पानी मुंह में आ जाता है। तो ये लक्षण अगर आपको कहीं भी मिलता है और उसको खाना बिल्कुल भी नहीं पचता है, तो अगर आप उसको ये लक्षण मिलता है तो आप एथुजा 30 देंगे, धीमे धीमे ये प्रॉब्लम ख़त्म होने लगेगी। फिर उसके बाद आते हैं बच्चों की सबसे बेस्ट मेडिसिन है। इसमें क्या है, बच्चा बहुत कमज़ोर रहेगा, उसका हेड है बड़ा रहेगा और वो बॉडी भी कमज़ोर रहेगी और हेड को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता। अगर आप पकड़ेंगे बच्चे की उम्र बढ़ रही लेकिन तो भी बच्चा बहुत कमज़ोर है, तो भी अपन अगर आप ये मेडिसिन देंगे एथुजा 6 से स्टार्ट करेंगे पावर में, तो काफ़ी आराम मिलेगा। फिर पेन ही नहीं चाहती, मतलब उसको चिंता की वजह से पेन बना रहता है। इसमें क्या, बच्चा हमेशा रोता रहेगा, उसका दूध नहीं पचेगा, उसको भूख नहीं लगेगी, उसको इनडाइजेशन बना रहेगा, उसकी वजह से बच्चा बहुत ही ज़्यादा रोता है। तो आप उसको एथुजा 30 देंगे तो उसको काफ़ी आराम मिलेगा। अब इसमें एक
लक्षण है एपिलेप्टिक स्पाज्म में, मतलब एपिलेप्सी की प्रॉब्लम रहेगी, तो आप डॉक्टर का जो है वो ट्रीटमेंट कराते कराते साथ में आप इसमें एथोजा 30 भी धीमे धीमे देते रहेंगे तो ये एपिलेप्सी की प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी उसकी। इसमें क्या रहेगा, मिर्गी जैसे झटके आएंगे, मुंह से फेन निकलेगा, जॉ लॉक हो जाएगा, टीथ पूरे बंद हो जाएंगे। जब ये प्रॉब्लम अगर किसी में मिलती है तो आप एथोजा 30 देंगे तो काफ़ी आराम पड़ेगा। अब दूसरा इसके बाद लक्षण है डिलीरियम की प्रॉब्लम। इसमें क्या रहेगा, घर बच्चा है बड़ा कोई भी रहेगा उसको लगेगा कैट्स एंड डॉग्स घर में घूम रहे हैं, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि कोई बिल्ली चूहे या कुत्ते घर में घूम रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। उसको मेंटली कंफ्यूज रहता है, उसको ऐसा भ्रम रहता है पेशेंट को कि घर में चूहे दौड़ रहे हैं सब जगह, कैट दौड़ रही है, तो वो अपने आप को जो खिड़की हो या दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, खिड़की से कूदने की कोशिश करता है इसका पेशेंट। तो अगर ऐसा कोई लक्षण किसी पेशेंट में मिलता है तो आप उसको एथोजा 30 देंगे तो धीमे धीमे ये प्रॉब्लम ख़त्म होने लगेगी। और किसी की लंबे टाइम से ये प्रॉब्लम है तो एथोजा 200 अब स्टार्ट कर देंगे, उसको हफ्ते में 2 बार देंगे तो उसको धीमे धीमे ये वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो जरूर